हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो कैसे हैं आप लोग भाई? डिस्कैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया, अफेजिया और आपका डिस्थीमिया, डिस्कोर्फिया भाई, इन्होंने दिमाग खराब करके रखा है और आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। याद ही नहीं रहते, भूल जाते हैं कौन सा किससे संबंधित है, पता ही नहीं चल पाता। तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 2 मिनट और जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। ऐसी ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ कि अब कभी भूल ही नहीं पाओगे, जानबूझकर भी नहीं भूल सकते। तो सिर्फ 2 मिनट है और 2 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। तो भी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो यार। तो देखिए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये डिटेल में देखने के लिए कि इनका मीनिंग क्या है, पूरी डिटेल्स पढ़ने के लिए ऑलरेडी आपको मैंने वीडियो दे रखी है, लर्निंग डिसेबिलिटी ट्रिक। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी ट्रिक या फिर डिसलेक्सिया ट्रिक, तो सबसे ऊपर वीडियो आ जाएगी, वो देखें आप लोग, या फिर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां से आप देखें इसको पूरा साइकोलॉजी के लेक्चर वीडियोस में। तो इसके पूरे के पूरा डिस्क्राइब करके कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वो पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ ट्रिक की बात करने वाले हैं और 2 मिनट, और सीटेट में 2 नंबर आपके पक्के हैं, क्योंकि इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आपके गारंटी से आने ही आने हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं खुद से। तो चलिए देखते हैं आपको करना क्या है। यहां पे मैंने सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस को आपको याद करना है, और समझो ये सारे के सारे आपके याद हो गए। तो सबसे पहले तो इनका छोटे छोटे मीनिंग समझ लेते हैं हल्के से। डिसलेक्सिया होता है आपका पठन से संबंधित, डिसग्राफिया होता है आपका लेखन संबंधित कठिनाई, डिस्कैल्कुलिया होता है आपका गणित संबंधित कठिनाई, अफेसिया होता है आपका भी भाषा से संबंधित, जब बोलने में मस्तिष्क में कोई भी क्षति के कारण अगर बोलने में कठिनाई होती है तो उसको अफेसिया कहते हैं। उसके बाद अलेक्सिया, तो भाई अलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों ही पठन से संबंधित है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो अलेक्सिया है वो मस्तिष्क में किसी क्षति के कारण हो जाता है, अगर क्षति के कारण बोलने में कठिनाई आ गई है तो उसको अलेक्सिया कहते हैं, और इसको एक्वायर्ड डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। तो दोनों पठन से संबंधित है। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया होता है भैया आपका गामक कौशल से संबंधित, यानी कि उसमें चलन संबंधी जो आपके मोटर स्किल्स होते हैं उनसे संबंधित कठिनाई होती है। आगे आपका डिस्थीमिया, तो डिस्थीमिया होता है भी आपका तनाव वाली स्थिति, टेंशन वाली, और इसमें व्यक्ति की जो है मूड डिसऑर्डर रहता है, यानी कि मूड जो रहता है उसकी मनोवृत्ति वो कम रहती है, निम्न रहती है, हमेशा मूड ऑफ टाइप का, ये होती है तनाव वाली स्थिति। डिस्मॉर्फिया होती है भाई आपकी भ्रम वाली स्थिति, इसमें लोगों को मतलब जिसको ये प्रॉब्लम होती है उनको भ्रम होता है एक प्रकार का, और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंग जो है छोटे हैं और मेरी उंगलियां छोटी हैं, हाथ छोटे, इस तरह का भ्रम रहता है, और वो दूसरे लोगों से उनकी तुलना करते रहते हैं, तो वो है भ्रम से संबंधित। मीनिंग आपको समझ आ गई है, अभी याद कैसे रखेंगे कि कौन सी डिसेबिलिटी किससे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको बस एक सेंटेंस याद रखना है और देखो कितना मजा आने वाला है। लोग पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाऊ। अब इसमें से कैसे निकालेंगे आप देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है आपका, ला है, तो ला से क्या आएगा भाई आपका, ला से आएगा डिसलेक्सिया, लेक्सिया ला, तो क्या आएगा डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया के बाद में नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, पापा, पापा में पा है, पा से क्या मतलब है भाई आपका पठन, क्या है पठन या पढ़ना, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है पठन से। आगे नेक्स्ट वर्ड क्या आपका, ग, ग से क्या आएगा आपका ग्राफिया, क्या आएगा ग्राफिया, यानी कि डिसग्राफिया, तो सिंपल है बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद में क्या आपका ल, तो ल से क्या जाएगा आपका लेखन या लिखना, तो डिसग्राफिया किससे संबंधित हो गया लिखने से। उसके बाद में क्या है का, का से क्या आएगा कैलकुलिया, कैलकुलिया यानी कि डिसकैलकुलिया। अब डिसकैल्कुलिया किससे संबंधित हुआ भाई आपका, आपको बताया गणित से संबंधित है, नेक्स्ट वर्ड क्या है ग, ग से गणित, तो किससे संबंधित हो गया डिसकैल्कुलिया संबंधित हो गया आपका गणित से। उसके बाद में फा, तो फा से क्या आएगा आपका फैजिया, अफैजिया, तो फा से आ जाएगा अफैजिया। और अफैजिया के बाद में क्या है नेक्स्ट वर्ड भा, तो भा से क्या है भाषा, तो अफैजिया किससे संबंधित हो गया आपका भाषा से, बोलने से संबंधित। उसके बाद में क्या है आपका पा, तो पा में क्या है आपका, पा से आएगा प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, तो पा से प्रेक्सिया, इसको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये भी पठन से संबंधित है, वो मैंने अभी आपको बताया ना दोनों एक से एक ही चीजें हैं, ये एक्वायर्ड है, तो पा से क्या हो जाएगा आपका अप्रेक्सिया। और अप्रेक्सिया के आगे क्या वर्ड दिया है यहाँ पे ग, तो ग से क्या हो जाएगा आपका गामक कौशल, मैंने आपको बताया ना ये गामक कौशल से संबंधित होता है चलन से, तो अप्रेक्सिया किससे संबंधित हो गया गामक से। उसके बाद में क्या है था, तो था से क्या आएगा आपका थीमिया, डिस्थीमिया, क्या आ जाएगा डिस्थीमिया।
और डिस्की में क्या आगे बढ़ गया है इसमें, इसमें ले लो यहाँ से ता, तो ता से क्या हो जाएगा तनाव, तो ये किससे संबंध हो गया तनाव संबंधी स्थिति से। उसके बाद में नहीं को छोड़ दो, नहीं से कोई मतलब नहीं है। मोर से ले लो मोर्फिया, क्या ले लो मोर्फिया यानी कि डिसमोर्फिया, और डिसमोर्फिया किससे संबंधित हो जाएगा आपका आगे क्या है भा, तो भा से हो जाएगा आपका भ्रम, यानी कि डिसमोर्फिया किससे संबंधित है भ्रम से। तो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी शिकायत रहती है कुछ लोगों की साइड में नहीं होते स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, तो लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये सिर्फ एक सेंटेंस आपको याद रखना है और जिंदगी भर के लिए समझो ये आपकी जो है कंफ्यूजन खत्म। अब आप जो है इसको बहुत ही बेहतर तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो भाई वीडियो कैसी लगी लिख के जरूर बताना कमेंट में, जरूर जरूर जरूर, ठीक है कमेंट जरूर लिखना और लाइक करो शेयर करो दबा के यार सब में फैला दो, जल्दी से एग्जाम आने वाले हैं सबका भला करो, जल्दी से शेयर करो दबा के सारी वीडियोस को। तो चलिए और जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लो, बाकी इसी तरह लाते रहेंगे नई नई वीडियोस आपके लिए। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।